बंगाल वालों अगर बुरा नहीं माने तो एक बात अर्ज करूं हाथ जोड़ के, मस्जिदों के दो दो करोड़ के मीनार बनाने की बजाय कोशिश करो कि वो दो दो करोड़ गरीबों पे खर्च करो और उनको मजबूत करो। अगर हमारी कौम 10 साल में मजबूत हो गई तो दो नहीं बल्कि 10 करोड़ के मीनार हम बना सकेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है जलसों के खर्चे भी कम करो, शादियों के खर्चे भी कम करो और सब खर्चे कम करके अपनी कौम को मजबूत करो। हुजूर अलैहिस्सलाम इसीलिए तशरीफ लाए थे। तो दीनदार बनो, मालदार बनो और नंबर 3 एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो। कोई भी जाहिल न रहे, कोई भी अनपढ़ न रहे, खूब खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। 10वीं 12वीं तक कभी मत रुकना बल्कि अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। डॉक्टर भी बीओएमएस वाला मत बनाओ बल्कि एमडी और आला से आला डिग्री दिलाओ। अब आप कहेंगे मौलाना पैसे नहीं है, मैं आपसे कहता हूं हर साल ईद पे नया कपड़ा ना बनाना पड़े ना बनाओ, धुले हुए कपड़ों पे ईद कर लो लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करो। इसी तरीके से किसी और जगह पर पैसे लगाने की बजाय 10 साल अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत कर दी, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो, हर बंदे को पढ़ा लिखा बनाओ। आप कहेंगे मौलाना नौकरी नहीं मिलती, मैं कहता हूं हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि पढ़े लिखे की तिजारत में अनपढ़ की तिजारत में फर्क है, पढ़े लिखे की गुफ्तगू में अनपढ़ की गुफ्तगू में फर्क है, पढ़े लिखे के उठने बैठने में अनपढ़ के उठने बैठने में फर्क है। देखो मैं आप ये नहीं कहता हूं कि आप सब अनपढ़ो, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, महफिल में पढ़े लिखों का अंदाज और होता है, अनपढ़ लोगों का अंदाज और होता है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में तालीम को आम करो। दुनिया भी पढ़ाओ, आखिरत भी पढ़ाओ। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि वो मुसलमान रहे, सच्चे मुसलमान रहे, और अपनी बच्चियों को भी इतना इल्म दो सच्ची पक्की मुसलमान रहे। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आला से आला तालीम दिलाओ। और याद रखना गुर्बत का बहाना मत बनाओ। बिटिया की शादी होती है तो लाखों रुपए कहाँ से आते हैं? और आपसे कहता हूँ 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो, मेहनत में पीछे मत हटो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10-12 साल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मेहनत करके अपने बच्चों पे मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, काविश कर ले, तो देखना नक्शा बदल जाएगा। ये भी आपसे कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझसे गलती हो तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे, आप मेरी जात को देख के कबूल नहीं करना। बाप के चेहलों पर 40 देग पकाने की बजाय 1 देग पकाओ, उन 40 देगों का खर्चा बचाकर किसी बच्चे की तालीम पर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए खर्चा कर दो। पीर साहब के मजार पर 1 लाख की चादर ला के डालने की बजाय 100 रुपए की चादर डाल दो, बाकी के पैसे बचाकर गरीबों की तालीम पे खर्चा कर दो पीर साहब के इसाले सवाब के लिए। वो उस 1 लाख की चादर से जितना खुश होंगे, वो 100 रुपए की चादर से भी उससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने किसी को उठा दिया, किसी को आपने तरक्की पे ले गए। एक बात कहता हूँ, मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को मेरी 1 लाख की चादर से क्या गरज, उसको तो जन्नत में उससे बेहतर लिबास मिल चुका है, उसको तो 1 लाख का उससे बेहतर लिबास मिल चुका है। तो ये बातें तलख लगे माफ करना, लेकिन आपसे एक बात कहता हूँ, रसूमात से निकलो, हकीकतों की तरफ आओ, रसूमात से निकलो, सच्चाइयों की तरफ आओ। एक दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करो, आपस के झगड़े खत्म करो। तेरा सिलसिला बड़ा, मेरा सिलसिला बड़ा, तेरी बिरादरी बड़ी, मेरी बिरादरी बड़ी, तेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा।